विश्वनार मुनि की धर्म पत्नी ने कहा, कई साल हो गए संतान का सुख नहीं है, औलाद नहीं है। विश्वनार मुनि ने कहा, शिव जी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा टूटता है तब लोग दूसरे का दरवाजा ढूंढते हैं। भरोसा नहीं टूटेगा ना तो फिर दूसरे का द्वार भी नहीं पकड़ाएगा। भरोसा टूट गया क्या तुम्हारा? विश्वास टूटता है क्या तुम्हारा? बहुत सारे यहाँ पर कैंसर के भी मरीज आए हुए, कैंसर के पेशेंट भी आए, बहुत सारे यहाँ लीवर किडनी वाले भी आए, बहुत सारे यहाँ थायराइड और बीपी वाले भी आए, बहुत। ये प्रसंग आप लोगों के लिए, जिसके घर में औलाद नहीं हुई 30-35-40 साल तक, ये कथा उसके लिए भी। कहा विश्वनार मुनि ने कहा कि तुम्हारा भरोसा नहीं है शंकर पर, हे पर संतान का सुख नहीं, चलो एक शिव की आराधना करता वो देगा निश्चित। सप्त नदियों का पवित्र जल, मेरी जीजियों 35 साल भी हो गए ना औलाद को, नहीं है ना, ना घबरा, 40 साल भी हो गए ना औलाद को, ना घबरा। अब जब तुम्हारे यहां संतान नहीं है ना तो एक नियम बनाना कि मुझे 5 पंडाल में पहुंचना है और 5 पंडाल में पहुंचकर वहां पर से मुझे 5 जगह की 5 कथा के पंडाल की मुझे बेलपत्र चाहिए। आप नियम बना, उसके दरवाजे पर जाने का नियम बना। अब जब औलाद नहीं है तो एक प्रयास तुम भी करो, अपने पति से कहकर मुझे कथा में जाना है, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर पंडाल में जहां जगह मिलेगी वहां सोऊंगी, जो भिक्षा देकर चले गया वो पालूंगी और जैसी व्यवस्था होगी उसमें रहकर मुझे 7 दिन 5 दिन की कथा सुनूंगी। 5 पंडाल और एक नियम जो विश्वनार मुनि ने अपनी धर्म पत्नी को बताया है, सप्त नदियों का जल, सप्त सरोवर नहीं, सप्त पवित्र नदियों का जल, 7 पवित्र नदियों का जल, उसमें से कावेरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, सरस्वती, जितनी ये सप्त नदियों की पवित्रता है, मंदाकिनी, नर्मदा, गंगा आदि, यमुना, सप्त नदियों का जल एकत्र कर और सप्त नदियों के जल से किसी भी महादेव के मंदिर में एकांतेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हमने पहले कथा में कहा है, कई बार एकांतेश्वर महादेव की कथा भी करी, सुनिए आप लोगों ने, एकांतेश्वर महादेव का हमने वर्णन किया है। जिस दिन तुम्हें लगे कि मेरा यह काम होना चाहिए, उस दिन एकांतेश्वर महादेव के पास जाकर बैठ गए, एकांतेश्वर महादेव मतलब बाहर मिलेंगे। ये लोग कहते हैं कि यहाँ नर्मदेश्वर महादेव है, कलम हम गए थे दर्शन करने के लिए, इनका कहना है कि ये नर्मदेश्वर महादेव है, पर हमारा जो स्पर्श मात्र से हम जो समझते हैं, हमने ये जाना है कि ये जो धारा है, ये जो भूमि है, तारा बाबा की जो कुटिया है, ये शहर से दूर होना चाहिए, अर्थात पहले यहाँ शहर नहीं थी, ये एकांत में थे, एकांत में थी, तो यहाँ जो तारा बाबा आराधना करते थे शंकर की, वो शंकर साधारण नहीं होगा, वो एकांतेश्वर महादेव ही कहलाएगा। एकांत, एकदम एकांत, इनका कहना है नर्मदेश्वर है, वो नर्मदा का शिवलिंग है, शिवलिंग कहीं का भी हो सकता है, पर उसकी एकांतता देखी जाती है, एकदम मौन स्थिर,
साथ बैठे जहां केवल शिव के सिवा कुछ भी नहीं, शंकर के सिवा कुछ नहीं। जो आया वो गुफा के चक्कर में घुस गया, जिसको शंकर से मिलना था वो डायरेक्ट पहुंच गया, उसे गुफा से मतलब ही नहीं रहा, उसे तो एकांतेश्वर से मतलब था, पहुंचा बैठा, जल चढ़ाया, स्पर्श किया और चल बाबा से अपने दिल की बात, हृदय की बात, एकांत। सप्त नदियों का जल रखकर सप्त बेल पत्र के ऊपर, सप्त नदियों का जल एक बेल पत्र ली, उसके ऊपर एक कटोरी में, एक बाटकी में, एक पात्र में एक नदी का जल, दूसरी बेल पत्र ली दूसरी कटोरी में, फिर जल, फिर तीसरी में, बाबा की अनाधना कर कर, शिव से विनती कर कर, भगवान शंकर के नामों का 108 नामों का जाप कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर कर, एक कटोरा जहां से पानी बहकर नीचे आता है वहां लगा लीजिए और एक बेलपत्री को उठाकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करिए। समर्पित करते समय डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो। अशोक सुंदरी का जगह मालूम है सबको? सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी की ओर मुख, अशोक सुंदरी भी समझ, गड़बड़ ना करिए। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बह रहा है नीचे सामने से, स्थान गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वह अशोक सुंदरी का स्थान है शिवलिंग। ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल, शंकर जी के ऊपर जो जलधारी रखी रहती है ऊपर, जिसमें से एक एक बूंद नीचे गिरती है, वो शंकर भगवान की पांच लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की पांच लड़कियां शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिराती रहती है। शंकर भगवान की कुल कितनी लड़कियां हैं? छह। कितनी लड़कियां हैं? छह। पांच जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की छठे नंबर की लड़की है अशोक सुंदरी। जब हम प्रयोग करेंगे एकांतेश्वर महादेव का, ये बेलपत्र जो हमने समर्पित करी है, डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो, डंडी का। आप बैठे कहां पर हो जल चढ़ाते समय? शिव जी को जल कहां बैठ कर चढ़ाया जाता है? जम के बोलो जरा। जहां से जल बहकर जा रहा है इसके